अभी अभी 10,000 रुपया मुंह पे खर्चा मैंने। दुकान चेक कर लो, J&K का नंबर 1 है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? जम्मू आ गया हूँ मैं यार, जम्मू में एंजॉय चल रहा है इतने दिन, मत जब तक अभी हमें कॉल नहीं आया वहाँ से कुछ भी। तो जम्मू में हमें कहा हुआ है कि जम्मू में स्टे करो 10 दिन 15 दिन, महीना कह रहे हैं कि आपका जो चिलिंग पीरियड है वो जा सकता है। तो मैं अब शाम को आ गया हूँ, सुबह से मैं काम सोया हुआ था मैं पूरा दिन आज, तो अब निकला हूँ शाम को मैं बाहर। अब आज नॉनवेज खाऊंगा यार, मन कर रहा है खाने का। मेरे साथ निखिल है, निखिलो इधर इधर। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? फाइन फाइन। आज हम जा रहे हैं दोनों भाई खाने। भाई क्या, अभी भाई भी हैं, तीसरा भाई भी है जो शूट कर रहा है। हाँ। तो आज हम खाएंगे नॉनवेज, तो मटका खाएंगे आज हम नॉनवेज में, बिरयानी में, देखते हैं क्या खाएंगे, कुछ नहीं पता अभी तक, जो खाएंगे जरूर आपका शेयर करेंगे। ये अभी मेरे नाल मेरे जिगरी यार हेलो तो बोल दे बाबा। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अभी भाई, आपका भाई, भाइयों के साथ बाहर आए हैं घूमने फिरने, अभी दिखाते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली बड़े देर हो गई यार कुछ खाए हुए, मतलब नॉन वेज खाए हुए प्रॉपर जम्मू का, तो आज इंशाल्लाह देखते हैं क्या खाते हैं। आज हम जाएंगे चंगेज के बाद, चंगेज। निखिल भाई भी कुछ कह रहे हैं, कहाँ जाएंगे निखिल भाई? दादे चंगेज नी चंगेज नहीं है भाई, जंगी जंगी जंगी, इट्स पंजाबी एक्सेंट, जंगी जंगी। हाँ, चंगेज तो वो था गाइस, चंगेज जो था, चंगेज खान था, वॉरियर था बहुत बड़ा। हाँ, उसने मतलब वो बताता है, उसकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे वो बताता है कि जब वो 8 साल का था उसने उसी वक्त इतना ज्यादा मतलब संघर्ष देखा था, स्ट्रगल देखा था, कि उसकी जो लाइफ थी वो बड़ी ज्यादा मतलब वॉरियर टाइप हो गई थी। तो वो एक काफी ज्यादा बड़ा वॉरियर रहा। हाँ, वो सेंट्रल एशिया से आया था, पता है मेरे को भाई उसकी वो चाइनीज जैसी शक्ल थी। जो हमारा जम्मू का हिस्टोरिकल पुल सामने मावी वाली माता, 25,000 बता दी। तो क्या हुआ भाई, रोज हम यहाँ से जाएंगे तो रोज दर्शन करवाएंगे आपको। ये हमारी गवर्नमेंट ने बनाया फ्लाईओवर, बट यहाँ पे इसकी जरूरत इतनी थी नहीं, क्योंकि नीचे ही 6 वे है। तो जहाँ पता नहीं क्या मतलब प्लान है इस गवर्नमेंट का, बनाती क्या है क्या नहीं। ये हमारा अमर सिंह क्लब, पर ये लगता नहीं है इंडिया का रोड है, पता है? ये रोड नहीं लगता नहीं है कि जम्मू का है। चर्च में आए हुए थे यार, जम्मू की ये गांधीनगर की चर्च है, काफ़ी खूबसूरती से इसको सजाया गया आज। यहाँ पे कुछ मीडिया पर्सन भी आए हुए हैं यहाँ पे, ये जम्मू परिवर्तन वाले हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब किड्स वगैरह आए हैं, बाकी लोग वगैरह आए हैं यहाँ पे, कल क्रिसमस है, डेट्स वाई यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये सेंट मैरी गैरिसन चर्च है भाई, ऊपर दिखा इसको। सेंट मैरी गैरिसन चर्च, ये जम्मू के मतलब गांधीनगर एरिया में है, इसके नाम का स्कूल भी है जम्मू में, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट। तो रौनक लग गई है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं लोग। ये देखो 24 की शाम है आज, तो प्रॉपर मास्क के साथ अंदर लाओ कर रहे हैं। अभी हम आए हुए थे यहाँ पे, कल काफ़ी रश होता है यहाँ पे, मतलब मैं प्री कोविड से पहले आया था यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रश था तब। तो अभी आया हूँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, कैंडल्स ब्लो कर रहे हैं वहाँ पे लोग। एक्चुअली ज़्यादातर बच्चे आते हैं यहाँ पे, मतलब बच्चे सेंटा से विश वगैरह मांगते हैं। मैरी क्रिसमस गाइस, मैरी क्रिसमस, जय यीशु, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस सबको। यहाँ पे पूरा सजा रखा हुआ है, ये बच्चे, ये मेरे जो दोस्त है ना, ये दो शुतुरमुर्ग, ये मेरे अनमोल रतन समझ लो, वॉट एवर जो मर्जी समझ लो यार, ये मेरे साथ लगभग 10 साल से ऊपर इनकी फ्रेंडशिप हो गई है, 10 से ज्यादा हो गया है। तो यार आपको मैं बताता हूँ कि मतलब जो आजकल फ्रेंडशिप है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो खाली मतलब पे होती है। तो आप भी ऐसे ही डेवलप करो रिश्ते यार, जिस पे आपको मतलब यकीन हो। अगर इफ इन केस हमारी कोई लड़ाई भी हो जाती है ना, तो भाई इतना लेवल हाई पहुंच गया हुआ, इतना आगे हो गया हुआ कि वो लड़ाई भी पार हो जाती है। ਬੰਦੇ ਜਿਗਰਿਆਂ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ
अभी अभी 10,000 रुपया मुंह पे खर्चा मैंने। आपको दिख रहा है इसमें कितना ज्यादा ग्लो आ रहा है, कैसे आ रहा है? 50 रुपए भाई, 10,000 रुपया खर्चा आपके भाई ने मुंह में, वो क्या ब्लीच फेशियल और रिबॉन्डिंग सब करवाया मुंह के ऊपर यार, नहीं स्क्रबिंग और एक्चुअली यही करवाने गया था मेरा, मुझे पता नहीं था। गांधीनगर जम्मू का कमर्शियल हब है, ये मोनिका सुपर मार्केट सबसे बड़ी। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो मोनिका सुपर मार्केट का एक अलग ही लेवल था हमारी क्लास में, हमारी क्लास में। हम इंडियंस को कुछ समझना चाहिए यार, कि गाड़ी ली है थोड़ी पार्किंग जो है आराम से लगाएं, सेंसिबल वे में पार्किंग लगाएं, हर चीज थोड़ी गवर्नमेंट करेगी। अब ये पापा है वो आ गए, चंगेज खान के पास आ गए हैं। यहाँ पे आए खाएंगे नॉन वेज, चंडीगढ़ गया मगर नॉन वेज वहाँ खा नहीं सका मैं, क्योंकि नॉन वेज जहाँ भी हम खाते ना, मतलब रिस्क नहीं ले सकता मैं नॉन वेज में कि कहीं भी जाके खा लूँ, नहीं यार, क्योंकि अच्छा हो तभी मैं खाता हूँ। ज्यादा मजा मुझे घर पे ही आता है यार, क्योंकि नॉन वेज के लिए आपको हाथ से खाना पड़ता है, मैं तो हाथ से खाता हूँ, चम्मच से मैं खा नहीं सकता। और आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं नॉन वेज पापा के साथ नॉन वेज अगर मैं पापा के सामने खा रहा हूँ ना अपने, तो मैं अगर चिकन खा रहा हूँ तो चिकन में मैं हड्डी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे पापा के मतलब हड्डी भी वो कहते हैं खानी पड़ेगी आपको, जो चिकन की हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि वो बड़ी स्मूथ होती हैं, तो उसमें काफ़ी कैल्शियम भी होता है, तो हमें मतलब जब मैं घर पे खाता हूँ तो मैं हड्डी भी नहीं छोड़ता उसकी, सब खा जाता हूँ। तो आज अभी ऑर्डर किया, देखते हैं क्या आता है, बताएंगे जरूर आपको, तब तक ये करके बताओ। थैंक यू भैया, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका यार, ला दे नान भी ला दे यार एक केड़ा बंब होंगे यार छोटे होंगे एटम बंब आ गया हूँ, एटम बंब देने, एटम बंब मसाला की है राजे, खोल खोल जल्दी कर, एटॉमिक बंब था मीठा खाएंगे कुछ यार, पहलवान का गजरला खाएंगे, चल चलते अंदर। सो चिकन के बाद अब हम खाएंगे स्वीट में मीठा कुछ, दुकान चेक कर लो, जे एंड के नंबर 1 है ये। आहा हा हा गजरेला गरमा गरम, तू है क्या, तू फूड ब्लॉगर है, अमेजिंग चिकन से ज्यादा स्वाद है। अब निखिल भाई भी खाएगा, अभी भी खाएगा, मैं भी ले लेना। हेलो, बस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बिरयानी खा रहा था, आ रहा हूँ भैया आगे, भाइयों ये बोर्ड देख रहे हो, इसमें आपको दिख रहा है ना श्रीनगर पत्नी टॉप वॉट एवर जो भी है। भाइयों मैंने संडे को एक जगह पे लंच किया था, मैंने व्लॉग में भी इसको डाला हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मेरी उनसे बात हुई अंकल से, वो 60 के नियर अबाउट थे अंकल, वो मुझे बता रहे थे कि ना उनको 35 साल हो गए हैं कि मतलब इस होटल लाइन में, मतलब ढाबा चलाते चलाते, बोलते कि ना यार मैं मतलब शाही जो अनपढ़ हूँ, मैं अपना नाम तक नहीं लिख सकता। तो मैंने बोला यार मैं तो मतलब शौक हो गया कि ये पढ़ भी नहीं सकते, कहते मैं पढ़ भी नहीं सकता, कि वहाँ पे सामने बस खड़ी थी उस पर लिखा हुआ था, मैंने बोला ये अंकल पढ़ के बताओ मुझे, कहते हम पढ़ नहीं सकते। यार मैं मतलब शौक हो गया यार सुन के, कि मतलब पढ़ ही नहीं सकता, मतलब जो इंसान मतलब आंखों के, भाई इंडिया में हाँ, थोड़ी देर के लिए शौक हो गया कि वो उन्होंने सपोज
कहीं जाना अमृतसर ही जाना सपोज, तो वो बस पे ये भी नहीं पढ़ पाएंगे कि अमृतसर कैसे लिखा हुआ है। तो मैंने बोला अंकल आप कैसे जाते हो, कहते पूछ पूछ ही जाते हैं हम। यार सीरियसली यार पढ़ाई मतलब मैं समझ नहीं पाया यार, काफी मतलब मैं हैरत में आ गया। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है एशिया होटल, मतलब हम तो पढ़ पा रहे हैं, हम इसको फील कर पा रहे हैं, मतलब यार वो समझ ही नहीं पाते यार कैसे यार। मतलब पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे वो। सोचो आज के टाइम में जो पढ़ ही नहीं पा रहे वो कैसे करेंगे सिस्टम सेट। और उन्हीं उसी वक्त एक और बंदा आया उनके पास, वो मे बी 35 तक होगा, वो कहता मैं 8वीं फेल हूँ बट मैं भी नहीं पढ़ पाता। यार हमारी जो एजुकेशन है ना कहीं थोड़ा गलत हो रहा है यार, पता नहीं यार। यार पढ़ना तो आना चाहिए एटलीस्ट, चलो बाद की बात है कुछ किया नहीं किया। यार नया एक्सपीरियंस था मेरे को, लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। भाइयों ये सेंट पीटर स्कूल है जम्मू का, जीवन में है कितना खूबसूरती से सजाया गया हुआ है। दुकान पे जा रहे हैं, दवाई लेनी है मुझे पापा की, पापा ने मुझे कहा था दवाई ले आना। भाइयों दवाई लेने गया था मैं पापा की, पापा ने मुझे कहा था दवाई लेके आना, दवाई लेने आया था यहाँ पे। भाइयों माँ बाप के काम करा करो, अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दो। भाइयों चर्च देख रहे हो क्या खूबसूरती से सजी हुई है, ये भी एक चर्च है जम्मू की। भाई निखिल जी बाय बाय, टेक केयर गुड नाइट, लव यू ब्रो, लव यू।